सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताबुन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। यूसुफगढ़ के श्री कृष्णा उड़ुपी पार्क होटल में एक हैरतअंगेज वाकया पेश आया, जहां होटल इंतजामिया मुबैना तौर पर ड्रेनेज के पानी से प्लेटें, ग्लास और दीगर बर्तन धोने में मुलविस पाया गया। ज़रा के मुताबिक होटल के करीब पाइपलाइंस में तवील अरसे से लीकेज हो रही है और वहां से ड्रेनेज का पानी बह रहा है, लेकिन होटल इंतजामिया ने इस सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए उसी गंदे पानी का इस्तेमाल जारी रखा हुआ है। ये पानी न सिर्फ सेहत के लिए मुज़िर है, बल्कि खाने के बर्तनों को इससे धोना आवाम की सेहत के साथ संगीन खिलवाड़ है। यानी शाहिदीन और मुकामी लोगों का कहना है कि होटल के बावर्ची खाने में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली प्लेटें, ग्लासेस और चाय के कप ड्रेनेज के पानी से धोए जा रहे हैं, उसके बावजूद होटल इंतजामिया इस खतरनाक अमल को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मुकामी लोगों ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि होटल के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि होटल इंतजामिया सफाई और सेहत के उसूलों पर मुकम्मल अमल करे। अवामी सेहत से खेलने वाले ऐसे वाकयात पर सख्त सज़ा का मुतालबा भी किया जा रहा है। सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे ने बी महेश कुमार गौड़ MLC को सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर तकरर किया। जनरल सेक्रेटरी AICC KC वेणुगोपाल ने आज एक अहकाम जारी करते हुए फौरी अमल दरामद की हिदायत दी और सुबुकदोश सदर TPCC ए रेवंत रेड्डी की खिदमत की सताइश की। वाद रहे कि महेश कुमार गौड़ कारगुजार सदर TPCC की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो साबिक में सदर NSUI निज़ामाबाद, सेक्रेटरी इंडियन यूथ कांग्रेस, जनरल सेक्रेटरी PCC के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। बी महेश कुमार गौड़ को सदर PCC मुकर्रर किए जाने पर सीनियर पार्टी कायदीन ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। जयशंकर भोपालापल्ली की जिलाई अदालत ने एक बार फिर साबिक वज़ीर-ए-आला KCR और IAS ऑफिसर सुमिता सब्रवाल को नोटिस जारी किया। अदालत ने KCR और सुमिता सब्रवाल को 17 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। भोपालापल्ली के राजालिंगा मूर्ति ने जिलाई अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मेडिगड्डा बैरेज के डूबने से सरकारी खजाने पर भारी नुकसान पहुँचा है। अदालत ने KCR और सुमिता सब्रवाल समेत दीगर 7 अफराद को नोटिस जारी किया है, जिनमें साबिक वजीर टी हरीश राव, कॉन्ट्रैक्टर मेघा कृष्णा रेड्डी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर रजत कुमार काबिले जिक्र है। साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अमले या अहदेदारों की जानिब से रिश्वत तलब करने पर शिकायत करने की ख्वाहिश की गई। इदारे के CMD मुशरफ अली फारूक ने यह बात बताई और उन्होंने कहा कि दफ्तर CMD में बदनवानियों से मुतालिक शिकायतों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। रिश्वत तलब करने वालों की इतला फ़ोन नंबर पर दी जा सकती है, फ़ोन नंबर 0402345-48-47 या फिर 7680901912 पर इत्तला दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इदारे की जानिब से बरती सारफीन के लिए मियारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। बाद मुलाजिमीन और अहदेदार रिश्वत सताने के वाकयात में मुलव्वस होकर इदारे का नाम बदनाम कर रहे हैं। तेलंगाना के जिले बांसवाड़ा मंडल के देसाईपेट गांव में एक नौजवान मुंह में सांप रखकर रील्स बना रहा था कि इस दौरान सांप ने डस लिया और उसकी हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक कोचाराम कॉलोनी का रहने वाला 20 साला शिवराज वो सांपों को पकड़कर गुजर बसर किया करता था। जुमेरात को उसने खतरनाक जहरीले जिंदा नाग सांप को पकड़ा जो तकरीबन 2 मीटर लंबा था। सेल्फी वीडियो बनाने के लिए नौजवान ने सांप का सर मुंह में रख लिया, इसी असना में सांप ने उसे डस लिया जिसके नतीजे में उसकी हो गई मौत। पाँच सितंबर को पूरे मुल्क में यौमे इस्तेदाद जोश व खरोश के साथ मनाया गया और टीचर्स के एहतराम में प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इस मौके पर एक स्कूल के प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रिंसिपल की घटिया हरकत और ज़ुबान को देखकर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है और उसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरोहा में एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल ने नर्सरी के एक तालिबे इल्म को स्कूल में नॉन वेजिटेरियन टिफ़िन लाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे स्कूल से निकाल दिया।
मुस्लिम तालिबे इल्म की वालिदा ने जब प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो मुबैना तौर पर प्रिंसिपल ने उल्टा 5 साल मासूम बच्चे पर ही दहशतगर्द होने का इल्जाम आयद किया। इस दौरान खातून और प्रिंसिपल के दरमियान हुई तल्ख बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कट्टर शिद्दत पसंद प्रिंसिपल को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना जो हिंदुओं को मारेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, नॉन वेजिटेरियन खिलाकर हिंदू बच्चों को मुसलमान करेंगे। जबकि नर्सरी में तालीम हासिल कर रहे मुस्लिम तालिबे इल्म की मां ने क्लास के दीगर बच्चों पर हिंदू मुस्लिम करने और मासूम बच्चे के साथ मुसलमान होने की वजह दीगर तलबा की जानिब से नारवा रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना के कारकुन वो बीआरएस लीडर जे बालाकृष्ण रेड्डी का 2 माह से ज़्यादा अरसे तक दिमागी इन्फेक्शन से इलाज के बाद जुमे की सुबह इंतकाल हो गया। वह हैदराबाद के खानगी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने पर अहल खाना ने उन्हें उनके आबाई शहर भोंगिर मुंतकिल करने का फैसला किया, जहाँ वो अपनी आखिरी सांस लेना चाहते थे। बालाकृष्ण रेड्डी के अहल खाना की जानिब से उनकी लाश को उनके आबाई कस्बे भोंगिर पहुँचाने के इंतजाम किए गए। उनके इंतकाल के बाद अहल खाना ने हफ्ते को भोंगिर के मदाफात में मगड़मपल्ली रोड पर वाक़ उनके फार्म में आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला किया। तेलंगाना महकमे के एक्साइज अहलकारों ने जुमा 6 सितंबर को जुबली हिल्स में बच्चों को विस्की से बनी आइसक्रीम फरोख्त करने की इतला पर छापा मारा। हुकाम ने कार्रवाई के दौरान 11.5 किलोग्राम ममनुआ आइसक्रीम जब्त कर ली। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े आइसक्रीम पार्लर आरकेओ कैफे पर छापे के बाद पुलिस ने विस्की से लेस आइसक्रीम जब्त किए। पार्लर ने मुबैना तौर पर हर किलो आइसक्रीम में 60 मिलीलीटर विस्की मिलाकर महंगे दामों में फरोख्त की। एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक दुकानदार ने सारिफीन को राग़िब करने के लिए फेसबुक पर अल्कोहल वाली मसनूआत की तशहीर भी की। अहलकार ने बताया कि बच्चों को अल्कोहल से बनी मसनूआत फरोख्त करना एक संगीन जुर्म है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली व साबिक वजीर राजेंद्र पाल गौतम ने जुमे को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस इकदाम से दिल्ली की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई और कांग्रेस को एक अहम लीडर मिल गया। राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा कि उनका यह फैसला समाज इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए है। उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए कहा कि यह नारा उनके दिल को छू गया और इसी तहरीक से उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। हैदराबाद से मुतालिक एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ज़मीन से धुआं निकल रहा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद लोग हैरतजदा हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जुमेरात को जुबली हिल्स के KBR पार्क में ज़मीन से धुआं निकल रहा था। ये देखकर लोग हैरान रह गए। बताया जाता है कि शुरू में धुआं कम मकदार में निकल रहा था, बाद में इसमें शिद्दत आती गई। मुतजस्सिस राहगीर जाय वक़ू के गिर्द जमा हो गए, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। धुआं निकलने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ रोज़ कबल महकमे बिजली की जानिब से यहाँ ज़ेर ज़मीन 11 KV का केबल बिछाया गया था, इसी वजह से धुआं निकल रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि शायद केबल को नुकसान पहुँचने या शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं निकल रहा होगा। इस सिलसिले में इंतजामिया या महकमे बरखी की जानिब से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की गाड़ी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। यह हादसा रायबरेली जिले के जगतपुर के करीब पेश आया। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य, उनकी बीवी और बेटी कार में सफर कर रहे थे। नामालूम गाड़ी की जद में आने के बाद तीनों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के बाद तमाम सेहतमंद पाए गए और उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इस हादसे के बाद रायबरेली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश कर रही है। तेलंगाना के साबिक डिजिटल मीडिया डायरेक्टर कोनाथम दिलीप को जुमेरात 6 सितंबर को साइबर क्राइम पुलिस के जरिए हिरासत में लेने के बाद आज रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद रद्दअमल जाहिर करते हुए दिलीप ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ये आज़ादी आप सबकी जद्दोजहद की वजह से है। उन्होंने BRS के कारगुजार सदर KTR का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इसे गैर कानूनी मुकदमा और गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक इबरतनाक वाकया आया पेश, जहां एक मुस्लिम लड़की परवीन खान ने अपना मजहब
घरदार छोड़कर अपने गैर मुस्लिम शादीशुदा आशिक के साथ जिंदगी बसर करने का ख्वाब देखा था, लेकिन 3 साल के अंदर ही लड़की को मोहब्बत की सजा के तौर पर मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके आशिक ने शादीशुदा होने का इंकशाफ करते हुए उससे शादी से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन परवीन के घर वालों का इल्ज़ाम है कि मुलजिम संजय गुर्जर ने मुतवफ़ी को गोहद के पास बुलाया था, जहां उसने जहर देकर कत्ल कर दिया। मकतूल ने गोहद से कॉल भी की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दे दी गई। पुलिस का कहना है कि लड़की को गुज़िश्ता रोज़ तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। Elite Spine and Pain Management Center, बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स, 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।